ए भयो मी पहाड़ों की याद है गे याद ए मेरी उम्र 94 वर्ष 94 साल क्या जी हाँ अच्छा हाँ मेरा सन 1930 जन्म से। लेकिन हाँ खेती पाती इतना सुंदर चाहिए कि आप समझे हिउ नदी जी मुड़ी वो एक किनार गोट भदवाड़ रंग छा दगड़े देखो अच्छे मकान बहुत बड़े मकान से यार दगड़े सबसे पहला सब तुम्हें अतर प्यार भन्नु में से अतर खाने की खूबसूरत तोड़ में से स्वागत है। आज दगड़े फिर से इन्हें बड़े लेते हैं आज फिर से एक हंगामा जाना तैयार है तो आज मैं जाना बिरमोली खालगांव में तो दगड़े गाँव में काफ़ी बड़ो होने वाले आज सुनते गाँव भर में आज कभी जय नहीं छो और मैं घर बड़े गाँव दूर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दगड़े आज काफ़ी मेहनत लगन वाले थी बड़े में भी और दगड़े गाँव पूरा दोनों पौड़ीगढ़ वाले थे द्वार खाल ब्लॉक में और पट्टी से लंगूर पल्ला तो दगड़े गाँव तरफ जाना तैयार कर दो घर पर टेक तो दगड़े पहुँच गए बिरमल गाँव समड़ी में और जो देखो गाँव की ना प्यारे जगह बस यार खूबसूरत मकान दिखेण से मत्थी पर टेक और गाँव तक नहीं तक पहले शायद से कम ही मकान दिखेण से इनमें मिता तो दगड़े गाँव से फर्स्ट वाल मकान सुन पहुंच गए और जान छाई ना और ये तो बंद कर दिन इन आज ना तो देख ला घर में कुछ और देख एकदम भैजी भी छे ना और एक बूढ़ी जी भी छे तो घर हुई फर्स्ट मकान पड़ दू गाँव के जाको खूबसूरत मकान है और काम चाहिए शायद घर में रेत सरी का नमस्कार बूढ़ी नमस्कार बच्चा आप शुभ नाम क्या है मैं शुभ नाम से दमयंती देवी हाँ मैं कैसे कहा आप मैं गाँव चो कलोड़ी द्वार खड़ा समी में जी हाँ जे रहो कोई भी अच्छा कभी अच्छा गांव से है जान में छह मैं तो गिरा जान से जो कभी फोड़ दान तक कब अच्छा एक कुरों दगड़ में घर में यार मकान चंडीगढ़ भी अच्छा घर में यार दगड़ कोई नहीं रहे यार बच्चे से यार बच्चा झूठ कर दो और मी एक दगड़ अंदर आओ से जबरदस्ती में घर ही छो जबरदस्ती तो रखन तो आना पड़ता दगड़ पर ने मिनवाल में घर जान छो मैं तो घर छ लगो अच्छा मैं यार पर लोग अच्छा लगदा ने यार पर बोल भाषा बोल से ने मेरे दीद बहन से ने हमारे सासू जर से ना हमारे डोली कमाई तो एक में हम एकम अच्छा लगो हम तो भैर अच्छा नहीं लगो बिल्कुल भी ना अब देव भूमि ने छोड़ना अब देव भूमि ने छोड़ना अरे पर मातृभूमि ने छोड़ना ना हम ना पर मातृभाषा छोड़ो हमारे युवा अधिकार से और हमारे इन जी के भैर जो ना हम तो घुटे घुटे रहो जान छा हम जबरदस्ती मैं ये किस्म से हमारे जबरदस्ती से यार बच्चा से बहुत करोड़ों में एक यार बच्चा लेकिन मिल नहीं रहे इंसान थोड़े से जान में फिर घर आ जाता गाँव वर्तमान समय में जनसंख्या मेरा एक जनसंख्या अब बाबा जनसंख्या तो मीन क्या जान मवस्ती 40-45 छाती को 100 तक मवस लेकिन ये भर मेकम 40-45 प्लान कर लोग हैं हाँ जी हाँ जी आदिम का तो फल लगभग अनुमान अरे बाबा इन तो मैं अभी तो अनुमान तो नहीं लगे सको पंत कहीं वाला भी तो मवस इतना वे पर 40-100 रुपये पर तो कम से कम तब 150 तो वाले बच्चा ये तो वाल लड़का छे लड़का शुभ नाम नमस्कार राहुल राहुल हाँ जी आप क्या कर दोन अकाउंटेंट चंडीगढ़ अभी आजकल तो सोलन में सोलन हिमाचल हिमाचल काफी अच्छी जगह जाए बहुत हमारी मतलब देवभूमि जाने से उत्तराखंड जाना है हाँ लेकिन ओकर एक में बहुत अंतर है भाजी बहुत क्या अंतर से इतना अंतर से कि ये जो सबसे छोटो पुंग उठते नहीं उनको भी करियो अच्छा उनको भी करियो और उनको उद्देश्य से कि भाई अगर हम नौकरी करना को बहर जाना भी चाहता मन घर ही वापिस आए और इतना बढ़िया मतलब जगह जगह पानी कौन बरसात हो पैंट ये पूरा खेती हो सब डाल लगा मेहनत लोग बहुत ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत और अपरी काम जो बस मतलब इन्हीं की हाँ बहर जाना मतलब बहर से कोई लेना देना नहीं रहे तो ये चीज में कोई ना कोई इन आदमी का आदर्श गाँव बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए हाँ मेरे को बहुत प्लान तो पौड़ी में सब जा प्लान तो अब प्लान रुकना कौन तो इजी की कोई ना कोई एक गांव तो आदर्श गांव बनाना पड़ल ना अब सच्चाई यह अच्छे गाँव की जो प्रधान छन एक प्रधान बनना मतलब थी कि रोजगार योजना कोई बेरोजगार से बता बना जाओ और वो पहले हिसाब लगा दें कि 5 सालों को बनने में नहीं कर मतलब कोई काम नहीं थे सिर्फ खाना पूर्ति वाल और जुमा कुछ थोड़ा बहुत दिमाग दिमाग वो बहर निकल जाना चाहिए रुपए वाले खाने जा हाँ हाँ देखा देखे जा बहुत चमस आए देखा देखे तो बहुत ज्यादा मेहनत कोई नहीं कंचा हाँ लेकिन कि एक चीज और चीज मैं ध्यान चाहिए कि कुछ सालों में खास कर कोरोना बढ़ेगा ना लोग थोड़ा सा जरा घर को मुड़ना चाहिए अब बिरमोली की स्कूलिंग भी लौट रहेगी ना पहले तो एक समय इन आएगी चाहिए दो लौट जाए
ए भयो मी पहाड़ों की याद है गे, याद है गे, हरी हरी द्वार बद्री के दार, हरी हरी द्वार बद्री के दार, अरे इकी बेटे आई गंगा जी की धार, ए भयो मी पहाड़ों की याद है गे, याद है गे। दगड़े वाल मकान सड़ में गया मैं अब और जाके अच्छे मकान से खूबसूरत यार पर छुड़ी जो मकान प्लान कर रही लोग साफ पर चलना और ना जाके मैं तार लगी वाल पर भी और तो घूंगा जा बड़ी बड़ हुई यार कंडल जम गया देखो तार लगी और मकान काफी खूबसूरत से यार फतरा का वो छुड़ी जो मकान देखो अब उधर अभी टूट गए तगड़े ही वाज अपन है मैं जा कुछ मकान एक मिनट कहना खूबसूरत यार जाको नाजा नु दुमी और एक छोटू से बात के है ये नाम से आप है ये नाम से और जा मकान खूबसूरत दिखने जन और भीतर साय सकी खाना पड़ने का शायद अच्छा छचड़ है और नाजा आना नहीं भी और जाको पुराना मकान खूबसूरत और बूढ़ी जी छे ना काम करने छे भाण साफ करने छे कोरे भाण साफ कम छोड़ शायद सही नीला गुण मिता देखो अच्छा मकान खूबसूरत और इज तिबर वाला मकान देखो अच तिबर ये मकान तर तो तगड़े में ना भी दिखने काफी अच्छा मकान यार जान छाए ना रास्ता तेरा और जाकर एक दी ची कम नमस्कार आप सब नाम क्या है पिंकी देवी मैच का खिचा आप सतपुली को गाँव अच्छा कौन गाँव छुट्टी पढ़ो छुट्टी गाँव से आप तो कोई भी नहीं चला पलायन हो गया आपको देवी हाँ सर मैं तुमको ही नहीं क्या मैं तुमको ही नहीं सब बैर चल गया है सब बैर हाँ जी अब मकान जी समड़ी में यो देखो तगड़े मकान यूच कौन तगड़ में कहे मैं सास सास हाँ जी बाकी होर बाकी हस्बैंड तो बहन का ना पंजाब अभी बचा जाना भरजाना मन कर दन छे जा बका हां भरजाना मन कर दन छे जा अब का जान जा घास लेना कौन घास जाना घास कटाना ना अच्छा घास कटाने आजकल खूब है असु जमे ना हां जी अच्छा इन अभी चेक मकान के चाप की हां जी ये तो मत चल गई ना वो अच्छा मत है हां जी देखो लकड़ो और देखो धरे भीतर लकड़ धरे से देख लिया सिवल बिच और कुछ घर ही बिचन जाको तो वह जान छाए में जाको कि ना फर्स्ट क्लास मकान जो खूबसूरत है पुराना फतरा बड़ू मकान एक पुराने के तगड़े मकान सड़े अब मैं जाके ना अच्छा मकान यार खूबसूरत पुराना मकान यार बड़ू मकान और घास में जाओ चौक में और कम दिखने तुमने लोग बाग काफी देखो मकान अच्छा चाहिए यार खूबसूरत नमस्कार नमस्कार आप सब नाम क्या है कांता देवी मैच कैसे कैसे डांसी वे साइड स्लोगी साइड है ना हां जी वो कोई मिले डांसी मिले खुड़ी ले हां छे छे धारी जो मैं डांसी पर हां अच्छा हां तो आप घर को रंग घर में का मैं अब बुढ़ा रे बुढ़ा हां उन दाना मन तो नहीं कर दो ना 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 सच बोलो ना ना अच्छा यूडा बोला हां अब मकान नीचे है ये अब मकान से तो फार्म घास जमी चौक वो अलग चीज वो है ये है मौज है ये हमारी ये अच्छा उन दरान नू लोग आंच से घर में ना ना नहीं आता अच्छा छोड़ जाए कहाँ तक है अच्छा एक मकान ये भी चाहे ये भी छोड़ जाए बड़ो मकान देखो कि नाच मकान से तगड़े और छोड़ी चाहिए यार बड़ो मकान फर्स्ट क्लास मकान चाहे पहले वाल भी छोड़ी चाहे वो भी छोड़ी चाहे तगड़े देख लो वाल भी गांव अच्छा से मकान छोड़ी चलो अब नाम क्या है सुबना रजनी देवी मैच कैसे कैसे विजयल है मैं नहीं कहा विजय अच्छा देखो अच्छा मैं वीडियो है अच्छा घर में करवा गड़मा पर है मेरा बच्चा रहना ना अम्मी अच्छा अब मकान कुछ मकान लो मां सिंह पास अच्छा वे साइड जो साइड है किनार से कुछ नहीं लुआ अच्छा कौन लग दन गांव फिर ना सुंदर लग दन तो क्या करता घर में मंत्र नहीं कर दन सास बार ना अच्छा हजमेड़ा कौन तो बोला हम तो वैली एग्जाम है बाल से हैं नहीं बाल नहीं बाल है
गाँव में खेती बाड़ी करते लोग छोड़ी चाहे सुंगुर सब जगह एक यहाँ तक सुंगुर बांध रुख है अभी कब जाने छे घास को जाने छे अभी घास जाने छे यहां घास कटणो आज काल घर के भरण थे घर जलो 1:30 बजे अच्छा गोरु पलियो आरखो दे गोर सिंह बस भैंस नहीं पलियो ना बे भैंस मांस कुछ नहीं छे ऊपर एक थोड़े देख ये मकान सने अम्मी और खूबसूरत मकान बड़ो देखो और जा एकदम खिलाने छियो खिलाने बोलता नहीं को जा खिलाने छियो और गोर रोनी देखो और मकान खूबसूरत जिकम जा दीज बीच दीच ढोरे के और यू मकान हो चो नमस्कार ठीक ठाक चाहो आन भी छा मैं तो कह रहा है अच्छा एक को रोता गड़ में सास लौड़ो जई अच्छा पूरे परिवार से है सब छा कल लग दन गांव पे है गांव अपन कल लग दन ठीक है लगो अब क्या कर रहे हो बहन क्या कर रहे हैं ना अच्छा के क्या पल्ली से नालू हमार तो बकर से गोर से अच्छा रोजगार चाहिए है बस घी वगैरह भी करेल खूब है अच्छा सास जी कगे न भी मतवाल तो कौन सा के अच्छा एक परिवार अच्छा मकान जा खूबसूरत दगड़ो अरे गांव अच्छा जो मकान दिखड़े बड़बड़ जा को दगड़े एक पुन पहुंच के जा को घर दिखड़े एकदम खूबसूरत यार कना छ मकान दे जा को और कुछ घर पूछन पुन जान में जा को कना छ मकान से खूबसूरत और मिर्च सुगाड़ धरे जिन जा को इसे मिर्च घर मिर्च और डाल इस कोसा ये इस कोसा किसी बिंडी देखो इस कोसा दान और देखो ये इस कोस बिंडी से निकम लगी ये कपड़ा पिसने वाले इस कोस देख ला दगड़े ओ इसने देखो बिंडी इस कोस बहुत ज्यादा लगी इसने डाल पर लागोल पर और एक देखो बूढ़ी छनी एक मकान जा खूबसूरत चंगा में पुराना मकान बहुत सारा दिखाने चल और ये घर पर आदमी शायद काम पर चल गए सुबह ले आग तुम तो जानी मकान समझी नहीं कुछ घर के बीच देख ला घर में कुछ इसको वाह कितना फर्स्ट क्लास मकान से खूबसूरत दगड़े देखो अच्छा मकान बहुत बड़ा मकान से यार खूबसूरत और कभी ताऊ जी से नहीं तो बात करता ना एक मकान है दगड़े जाको ये पर लोग बाग चल गए शायद छोड़े को घास जमीन जाको मुड़ी नमस्कार ताऊ जी नमस्कार भाई आप सब नाम क्या है राधे सिंह बिष्ट राधे सिंह बिष्ट खड़े बनाने जाए हैं आज टाइम पास अच्छा आप मकान चीज ना बड़ी है भाई मकान काफी अच्छा मकान छ आपका हाँ। बहन नहीं आप लोग छोड़े गए बहन ना बहर कर में जाने मकान छोड़े अच्छा घर में सही लगों की बहर सही है घर में बैठे अच्छा घर में कौन दगड़ में घर बद्दी मुझे बच्चा नहीं रहा ये घर है ये गांव मतलब इतिहास वगैरह बच्चे आप तो पता चल कुछ इतिहास है गांव इतिहास ना पूरा पता नहीं इतिहास है पर हाँ बुल्ल पहल के राजस्थान में टाइम पहले सर राजस्थान में देखा है राजपूत है ये गांव मतलब क्या ज्यादा लोग हैं बिष्ट बिष्ट परिहार बिष्ट अच्छा परिहार बिष्ट है लौट पढ़ना कहते हैं ना गाँव पढ़ना ये एक चाकियों से इंटर कॉलेज अरे एक कांडा खाली इंटर कॉलेज दी ऑप्शन से जाना को ना जाना वाली ऑप्शन बाकी ये मकान छोड़ दें लोगों ने बगल में सब सब छोड़िए नहीं ना अच्छा बड़ा बड़ा मकान थे नहीं अच्छा थे हाँ अच्छा थे मकान थे ना आप लोग तो दुख नहीं उन लोग छोड़े जाना चाहिए दुख तो होना चाहिए दुख ना खाना पड़ने हैं ये पुटो देखा तगड़ो परे सरच अच्छा दाल धरी वेले दाल धरी हां ये पुटो के धरी कंट्रा पुटो क्यों पीड़ से गोर को अच्छा गोर को पीड़ है गाय को ना मकान फिर से देखा तगड़ो खूबसूरत मकान बड़ो मकान है मजा आना देख ओ मेरी माटी ओ मेरू पानी हे मां ओ ठंडी धार पानी की छलार दगड़े गांव के छाला तर पे गयो अम्मी और जाको कि नाच मकान दिखो समणी में यार खूबसूरत बड़ो मकान जाको ते गांव अच्छा अच्छा मकान दिखे तुम बड़ बड़ पुराना मकान
और देखो ये दीच ये साइड बटे गई दगड़े में देखो अच्छा अच्छा मकान से नहीं साइड भी नातरे बटे गई मैं दिखे कौन नमस्कार आप सब नाम क्या है शांति देवी गर्म करो दगड़ में गर्म तो हम हिसाब है दी बच्चा छे ना मारा आ दिन बस सारी मां हां मैं कहां से कहां से पुल्यासु पुल्यासु कहां है जयपुर पुल्यासु में एक दिन जो है पुल्यासु हां हां सड़क जयपुर गांव में तक है ना जान में छा मैं तो गरम हां जान छो कर बेटा ये कोचा आप लड़का ना ये बंद पड़ोसी छा पड़ोसी हां ये नाम छा पक है हां अक्कू अब बकरे पली चना पक है हाँ तो आपके खान था लौट तो पाने से था नौकरी चाकर छ नहीं था नौकरी चाकर नहीं कुछ है दिहाड़ी मजदूरी बस अच्छा दिहाड़ी मजदूरी है खेती बाड़ी छुड़ी चाप लोग है खेती बाड़ी तो खत तो सुंगुर उबा अंदर अच्छा तो इवन आप लोग मतलब काखड़ वगैरह नहीं चाप लगे कद्दू वगैरह कुछ है कुछ नहीं चा किले गुड़ बांध रहा अच्छा गुड़ बांध रहा दौड़े में जाए भीतर दिखाया जाए दापुर तो ये पड़ो मतलब पहला लोग रासन पहना ट्रक है जंगल वगैरह अभी तो कुछ नहीं पर बहुत सारा दबुल से नहीं बेचारे जाखो फिर ना बांस आग बड़ी और एक मैं जाखो एक दियाल दिख गया ये जाखो दर्द लग गयो और भीतर काफी नहीं सोच मतलब पहले मकान नहीं रोज जाए ना जाखो ये लगे तक था कड़ी वगैरह ये पर और एक जाखो छा छुना कर रहा ये चीज तो पहले लोग मतलब निकल दन छा एक ये बाबा झूठ बांध दियो दबुल फिर से देखो बहुत सारा दबुल से अंदर भीतर जियो दगड़े साइड को जाना मम्मी और जाको कि नपा कर तुम बहुत सारा और ढेबर पाली सिंह जाको जैसे ढेबर और मकान ही चो तुम खाना पड़ने साय से नाश्ता पे और मकान जाओ खूबसूरत यार जाको कि मैं एक दीद बनाने खाना और एक मकान ये साइड बिच जाको नमस्ते भैन भर निकम नमस्कार ठीक ठाक आप सब नाम क्या है तारा देवी मैं कह से कह भोपाल वे साढ़े क्या अच्छा गर्म करो ना गड़म गर्म अच्छा गढ़वाल जान सी गया गढ़वाल अच्छा पहले बेटे कहा गढ़वाल क्या विस्सी कहा अच्छा रोटी पड़ने से ना देखो रोटी पड़ने से चुल्ल में और मकान ही ना भी चाहिए हैंग मो खाल ये शायद का किचे ही वाल देखो तार लगियो दर्ज ऊपर एक मकान तकड़े यू भी चेस होने पौने में जाओगे ना अच्छा मकान यार खूबसूरत मकान और गेट पर लगी ताल तो भीतर जाने सकून देख लियाओ और मकान काफी अच्छा थी यार खूबसूरत अब तकड़े मकान सुने पौने में जाओगे ना अच्छा मकान यार खूबसूरत और जान से ना बात करना कौन देखो एकदम बाड़ा जी बैठी थी और बूढ़ी जी और इस मौसम डाल ये बता लगी थी देखो पकड़ बैठ गई धीरे धीरे को एक बात कर रही ना नमस्कार बड़ा नमस्कार आप सब नाम क्या है मेरा नाम बलवीर सिंह बलवीर सिंह घर में करों दगड़ में दगड़ में एक बुढ़िया जी मेरा छोट लड़का और वो एक घर वाली और एक मतलब बहरा नाती पूरे परिवार से मतलब पूरे परिवार और दूसरा लड़का मेरा जो बड़ छो वो कोरदार है कि जो एक मकान गाँव भर में मतलब कुछ पुराने रीति रिवाज बचे की भाई ये कोई साधन नहीं चाहे सड़क को कुछ नहीं चाहे हमारे जमन में जमी चाहिए तो वह भक्त तो साधन कुछ भी नहीं चाहिए केवल भेड़ बकरी पालना गोट खेत इनकाम करना और खेती बहुत अच्छी होनी चाहिए आज आप देख रहे हैं सी मतलब तमाम बांझ पड़ी थी कुछ नहीं सब बांदर जो कुछ वाले जनरली डाल सीधे मिला तो बांदर आएगा ये माल्टा डाल दिखा देना मैंने कुछ नहीं चाहे लेकिन हाँ खेती पाती इतना सुंदर चाहे कि आप समझे हूं नदी जी मुड़ी वो एक किनार गोट भदवार रहन छा मतलब आलू करी जे पहले है आलू करी वाले पहले हाँ पल जुले आना चाहे तो रात रोन पर चाहे मतलब अधिकतर लोग मतलब छनी में या उन चाहे तो ये चीज पहनी हुई जाए गुण बांधर सुंगर वगैरह है हिंद चाहे लेकिन कम कम अकेले खेती छेती खेती तक वो खाए लेन छा भैर भलवार हमारे गांव में कभी नहीं आज आप देख रहे गुण भी छे मतलब चुलमा भीतर उठाई रोटी भी उठाई ले बांदर बांदर भीतर बिठे की रोटो भी उठाई ले पर्ची तक बिठे पहले तो मतलब मैं सुनी मतलब पहले तो घर के खान जा सब चीज है अब बाजार पड़ना
और आप पता जो है झुंगरू भाव क्या है झुंगरू बेहद झुंगरू कौड़ी और जितना साठी मगर सब चीज मतलब ताकत बेंच पे लखा ताकत क्या कि मेरू मेरे 94 वर्ष साल क्या जी हाँ हाँ मेरा सन 1930 सज्जन में तो अब कैसे को पढ़ी है यार पोखाल पढ़ छन पोखाल जी हाँ पोखाल अजमेर पट्टी में छे और मतलब आज बल्कि हमारे तो देखे थे कि ये भी खेत गुरु जी छह नारायण सिंह जी हमारे गुरु छह मनमोहन पिताजी ये भी खेत दिखा था का बगल में हाँ हाँ बिल्कुल आप देखते ना और समझा बात कर दो ना आप नाम क्या था सुबना मेरा नाम विद्या विद्या मैं कैसे कैसे भलगांव ना भी डाड़ मंडी सामने एक भलगांव ना भी द्वार खोला साइड ना छाकुम भी एक भलगांव है जान छा मैं तो गिरा मैं और कुछ बताने चाहिए गाँव बारे में सब गाँव बड़ो लोग नाच पाने चाहिए मतलब शिक्षा प्रचार प्रसार नहीं छह मेरा जमन में सन 47 में भारत आजाद क्या है तब बेटो के शिक्षा प्रचार प्रसार हूँ बैठ गया और लोग जरा पढ़ लिख गए ना आज लोग अच्छा अच्छे पोस्ट पर छ मतलब है हमारे एक में एक भाई साहब खालू मिलन वो भी इंजीनियर साहब छ मतलब अच्छे छ ना मतलब सब अच्छी सर्विस पर छन है जो अलग अधिकतर पलटन हो पलटन अच्छा जो पलायन हो ना पलायन तरुके कर में जैसा को ना हाँ पलायन रुकाने का मतलब क्या हो चाहे तरुके जाए रुकाने की चीज कि अब लोग आवान मतलब मुझे बांध लोग देखभाल करना बाढ़ बंदी करना ये मकान तरह तो उनका बड़े अम्मी और ये मकान भी काफी खूबसूरत है पुराना मकान चू पर छन्नी पड़े थे ऐसा ऐसे और मत देखो दरअसल खुली चीन लोबा मतलब छोड़ी चल गई साफ बहुत चलने जाकर ताल लगे एक लगे ताल ये साइड जाको ये ना छन्नी पड़े ये साइड है क्योंकि घास धरे ना मत देख लिया तुम धरे घास एक पुन बता अच्छा अच्छा मकान दिख रहे थे निवास जगह तुम जाओ बड़े बड़े मकान थे गाँव में और बहुत अच्छे लगन अच्छे न्यारे और जहाँ ताल लगे घर में कोई निशाब बहुत चलो और वो दुकान से और में अच्छा तरीका से मकान था जाके ना बड़े मकान से यार खूबसूरत वेलकम लिखी वेलकम है जाको बड़ो मकान से पर घर में कोई नहीं एक बने का थोड़े हम जाको कुछ घर ही भी छे ना और ये तो हमारे गाँव के फूफो घर जो नौबड़ी छे नी नमस्कार नमस्कार ठीक ठाक क्या फूप है हाँ कोरोन दगड़ में कहा कहते हो चुपार है खूबसूरत घर ये तेरा तो आनंद नेमी हम और जाके मकान ये साइड बिच और जाके मम्मा जी बिच है ना और मकान देखो खूबसूरत ये तो मम्मा जी दिखाई जो पहले मैं आ रहा बिजोल में दिखा मैं ठीक ठाक जा नमस्कार और जाके एक भेजी बिच है आप मकान हाल ले और जाको मकान खूबसूरत मकान नादर दिखाना और में और इनाम से कुछ घर जाको एक साइज से कुछ बढ़ दिखान जा आप लोग दमी नमस्कार पकौड़े बाढ़ क्या जाको दगड़े पकौड़े बढ़ रहे ना क्या चीज स्पेशल आज क्या चीज स्पेशल आज पकौड़े बढ़ रहे हाँ अच्छा बर्स है मैं कह जगह चाप मैं आप
अब मैं तो कैसे अब अभी आप कैसे कक्षा हूँ ना चुलम बनने कुछ घर बार दगड़े भी दिखे बहुत जान छा जाकिन अच्छे मकान च खूबसूरत बड़ू माड़ा जाको शायद से मकान छोड़ी तो सब चलो यार देख रहा तार लगे मथी छोड़ी मकान और ना भी मकान भी छोड़ी इना दुकान और मी इना तो कम फैलू मकान पूरा का पूरा देखो तार लगे छोड़ी इना च मकान जा पड़ो और छोड़ी प्लान मार दे नहीं हो दगड़े इंजे अपन पहुंच गए गांव जाको काफी अगने पहुंच गए मैं और जाके ना फर्स्ट क्लास खूबसूरत मकान दिखाने सामने और एक मकान है बीच देखो अच्छो खूबसूरत और कम जाको ताऊ जी नमस्कार ताऊ जी नमस्कार भाई ठीक ठाक जी हां ठीक ठाक जी भाई आप सब नाम क्या छ मान सिंह हां जी घर में कुरो नहीं का घर में एक बार छ हां अब नाच न करना सुन यार मैं छोड़ दे अच्छा लॉर्ड वाले और हां लड़का चाहिए लड़का चप्पल रोन दिल्ली पर दिल्ली नौकरी कर आप क्या करते हैं नौकरी सड़क सड़क में काम कर पीडब्ल्यूडी में ना गिरफ में गिरफ तो फौज है ना हाँ ना फौज से नहीं चौथा नहीं तो प्राइवेट जो भी मतलब अच्छा तो फौजी के मुताबिक थे लेकिन ठीक से मतलब अच्छा तो मैं यार इन पे सुने मतलब ये गांव मतलब बिपिन सिंह रावत नाम से मतलब बहुत चीज आने चाहिए आज हमारी गांव में हमारी ग्राम सभा में तो गांव भी हां हां तो नाम से बहुत चीज आने चाहिए कॉलेज वगैरह तो हां क्या पता नहीं अब क्या कार कुछ समझ नहीं आने जो कुछ पता नहीं कि इनके कार के कार बीच में कहीं बल छेड़छाड़ कर गया कि पता नहीं यहाँ गाँव जिसमें मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया कि अभी कुछ पता नहीं कैंसिल हो गया हाँ कुछ पता नहीं क्या चीज़ बढ़ चाहे गाँव में हाँ तो गाँव में तो सब चीज़ होनी चाहिए लेकिन क्या चीज़ मतलब क्या चीज़ आने चाहिए सब चीज़ चाहिए बोल मतलब तुम्हारे हॉस्पिटल वगैरह भी ला दो तुम्हारे स्कूल कॉलेज वगैरह बढ़ दो हाँ काफ़ी कुछ है लेकिन कैंसिल होना है कैंसिल होना क्या कैंसिल समझो ना जो कैंसिल ये वाल मकान सुन पहुंच गए दौड़े हमें जाखो और घर में कोई नहीं दिखाने यार तार लगे देख लाओ और बर्ख भी आने यार काफी दिक्कत आने में तब जाखो कि नाच मकान से खूबसूरत यार पर घर में पीछे नीचे तो एक मकान है साइड बिच ना तो बहुत मकान से देख लाओ पुराना मकान से खतरा तुम तो फल्ली मन पुरानो मिताओ फल्ली मरद और ना जान देखो मकान खूबसूरत जी हो भी यार कितना बड़ा मकान जो यार छोड़ी जो मकान के नहीं लगड़ो यार मिदा भगवान देखो कि नाच मकान से यार और मकान छोड़ी चो देखो तार लगी और एकदम डंडा लगे छे देखो दराज पर मकान छोड़ी चो और बहुत बड़ा मकान से यार छोड़ी चो पूरा का पूरा देखो दगड़े तरफ जाना तेरे कर दो नमी और देखो पुनो भी हल्दी नीचे हल्दी पत्ता और एक मकान नीचे देखो कितना बड़ा मकान खूबसूरत यार बहुत बड़ा मकान देखो बड़ू मकान यार काफी प्यारा मकान और रुकम सुनी बूढ़ी जी देखो मकान च बड़ू यार देखो कितना बड़ा मकान च खूबसूरत यार और रुकम तार लगी देखो हाँ चाह पे आठ पी लू लो बात कर देना पता कर कब जाना चाह फेर मेरा ठीक ठाक चाह नाम क्या चाह बस सुम नाम गीता मैं तो कक चाह बस यार मैं तो मत चाह मत कहाँ के साइड आई किरते खा लो सोनी किरते खा लो हाँ के खा पले हाँ सड़क जाने का पूरा है ना हाँ मुझे मकान ना सोच जाने मकान आप कितना सोच रही है ना बड़ो है हाँ हाँ मजे सर मकान उगम तार लगी बगल में तार
मकान का प्यार चाप है मकान सारे क्या है मकान का ये मकान तो मैं सासुर लगाई अच्छा मतलब बंडी पुरान हो गया हां लगभग का तो साल याद करो जल्दी याद कर अब के पता मतलब सासुर लगाई ना फिर ये अब ब्याह का तो सुनो अब ब्याह का तो टाइम हो गया हैं अब ब्याह का करियो का तो टाइम हो गया मेरा ब्याह का तो भाई 42 साल हो गया 42 साल काटे काम है हां अच्छा मकान देखो दगड़ी कितना बड़ो चार बहुत बड़ो और दगड़े मकान एक छज पे जाओ पत्थर के कटिंग करी यार मस्त ऑल पे लग ये अच्छी कटिंग पे लो करी का पत्थर देखो के मस्त छ न देखो छज पे ना छ पत्थर लगी छ ना पहला तो पे लोग मिले कना मेहनत करी यार देख लो इन कलाकार देखे देख लो और तक छज पूरा का पूरा बहुत पत्थर लगी छ ने पर देखो पत्थर को बड़ो ची आ रही बहुत बड़ो पत्थर इन्हें पूरा का पूरा एक मकान दगड़े साइड बिच जान चाहिए दिखाना आप लोग तो और देखो रास्ते में भयंकर घास जमी मकान का बड़ा ले गया देख लो और देखो तरस बंच ता लगी और देखो कूर है गाड़ी भयंकर वाल देखो तार लगी अगर तरफ जाओ फ्रंट साइड देखो कितना प्यारो मकान यार खूबसूरत और छोटी जी मकान देख ला बहुत ज्यादा कमरा सुनिए पर तार लगे हो यार कितना प्यारो मकान ची यार छोटी जी मकान मकान जिन पलाय न मार बजा सीटू ना देखो तार लगे हो और ये साइड छन्नी छन्नी गांव वालों को देख लो छन्नी बड़ बड़ छन्नी काम मकान भी बड़े छन्नी और छन्नी वगैरह भी दगड़े वाल मकान सामने पहुंच गए मैं अब जाओ कि नाच मकान जा रहे खूबसूरत काफी बड़े मकान च तो गां बहुत अच्छे मकान दिखे से निकमित हो जाओ कि नाच मकान च खूबसूरत और एकदम भैजी और जाओ नमस्कार भैजी नमस्कार आप शुभ नाम क्या है लक्ष्मण लक्ष्मण सिंह आपकी मकान जितना बड़ी है गड़ में और घर कुकुर बाकी परिवार जननी अच्छा बाकी लौड़वाल घर में रोजगार चापक मतलब है बकर वगैरह है नौकरी चाकर कर थे चापन पहले अच्छा खेती बाड़ी करते थे कहाँ पे लोग हैं बहुत कल कल अब अन भी कौन से खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत अच्छा अब छोड़ दिया है बंजर पड़ी सब फूंगड़ है बंजर बंजर मन नहीं करते फिर सकल्ला ना ना कोई किला नहीं करते मन अब है अब तो सब पैसे बोल जमाने तक क्या हो गया अच्छा पैसे के लोग में जा है अच्छा मकान ही चावक है या खतकड़ मकान ही दगड़े मकान सामने पहुंच गए मैं अब और जाके ना खूबसूरत मकान ची आ रहे हो और गेट खुलन में जान चाहिए साइड जाके हम बोड़ी जी छे ना चौको मकान जी हम काफी अच्छा नमस्कार ठीक ठाक क्या आप नाम क्या छे शुभ नाम क्या नाम भागीरथी अच्छा भागीरथी है मैं कह जगह से चरे चरे कना है अच्छा उन्हें तो खूब खेती बाड़ी हुई ना नहीं होना अच्छा किला नहीं होना अब क्या है साइड किला नहीं होना अच्छा उन्हें भी गुण बांधर से ना घर में कौन घर में एक अच्छा दो आदमी छह अच्छा खाना वगैरह बढ़ गया नहीं पड़ा है
पर काम तो फलाने मार बहुत ज्यादा दिखे अपने क्या मतलब अच्छा अच्छा मकान छोड़ जो बड़े बड़े यार तो दुख होने का भी ज्यादा दगड़े और दगड़े हाँ पर कह गया पर कर सत्यानाश कर अपने क्या मतलब कुछ मकान अच्छे तरीके से दिखे नहीं सकिन तो पर खका रहा है सोबू तो दगड़े यार भाई मैंने तो खूब शेयर करना आप लोग और चलो सब्सक्राइब जरूर करना दगड़े प्लीज यार और दगड़े चल तुम सब भी कहें बाय बाय यार।